शिमला के विक्टी टनल में प्रदेश सरकार ने सिंगल लेन सड़क बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये कार्य शुरू किया जा रहा है। इस सड़क को बनाने का जिम्मा HPRIDC को दिया गया है। विक्टी टनल के पास रेलवे की जमीन पर यह सड़क बनेगी। गौर हो कि विक्टी टनल चौक से पुराना बस स्टैंड, लक्कड़ बाजार और विधानसभा के लिए गाड़ियां जाती है। लक्कड़ बाजार जाने के लिए विधानसभा और पुराना बस स्टैंड की ओर जाने वाली गाड़ियों को रोका जाता है, जिस वजह से लंबा जाम लोगों को परेशान करता है। सिंगल लेन सड़क बनने से ये गाड़ियां चौक नहीं जाएगी बल्कि सीधे इस सड़क से बस स्टैंड पहुंचेगी। नगर निगम कमिश्नर आशीष कोहली ने जानकारी देते हुए कहा कि शहर में कई सालों से जाम की समस्या से अब लोगों को राहत मिलेगी। इस रूट पर सबसे ज्यादा जाम लगता है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के बाद काफी हद तक लोगों को सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिलर पर बनने वाली ये सिंगल लेन सड़क रेलवे मंजूरी का इंतजार कर रही थी, अब काम में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि लगभग 25 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सड़क के बनने से शहर में जाम की परेशानी खत्म होगी। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य भी किए जा रहे हैं, जिससे कि जो शहर है इसको डीकंजेस्ट भी किया जाए और ट्रैफिक मैनेजमेंट बेटर हो सके। इसके लिए आपने देखा होगा मुख्यतः एक जो 170 साल पुरानी टनल थी दिल्ली के साथ, उसके साथ ही नई टनल बन करके तैयार हो गई है, वो 54 करोड़ का कार्य है। और ये जो टनल है 2-3 महीने में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसी के साथ साथ जो शहर में कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन की सबसे ज़्यादा समस्या आपको पता है विक्ट्री टनल के पास आती है, और इसके साथ ही जो सर्कुलर रोड के नीचे वाली लैंड थी वो रेलवे की लैंड थी, इसलिए वहाँ पे उसको एक्सपेंड करना मुश्किल था। बट सरकार ने ये प्रयास किया, रेलवे वालों से भी बातचीत की और वहाँ पे अब रोड को एक्सटेंड भी किया जा रहा है विक्टी टनल के सामने से। रेलवे के साथ बात भी हो गई है, उनको जो कंपनसेशन दिया जा रहा है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वो भी दिया जा रहा है, तो ये रोड एक्सटेंड भी होगा। और साथ ही एक फ्लाईओवर जो है वो वहाँ से थोड़ा आगे जा कर के जहाँ पे क्रॉसिंग है, जो रास्ता ऊपर जाता है विधानसभा की तरफ और एक जो नेशनल हाईवे आगे चला जाता है, उस क्रॉसिंग पे बड़ी कंजेशन रहती थी, उसके ऊपर से भी एक जो है वो फ्लाईओवर बन करके बनाया जा रहा है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही। और इस कार्य को वही एजेंसी जिन्होंने टनल का कार्य किया है HPRIDC, वो इस कार्य को भी कर रहे हैं। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये लगभग 25 करोड़ के आसपास का होगा और ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही किया जा रहा है। इसकी प्रोसेस तो जैसे मैं बता रहा था ऑलरेडी स्टार्ट ही कर दी गई है, रेलवे वालों से बातचीत हो गई है, क्योंकि सबसे पहले तो रेलवे वालों को ऑन बोर्ड लेना, उनका कंसेंट लेना, वो ही सबसे बड़ी अड़चन थी और वो ही मुख्य कार्य था। वो जो प्रिलिमिनरी कार्य है वो हो गया, अब सिविल वर्क भी इसमें शीघ्र ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये आपने भी महसूस किया होगा कि जो हमारी क्रॉसिंग है, जो जैसे मैं बता रहा था एक विधानसभा को रास्ता जाता है और नेशनल हाईवे आगे चला जाता है, वहाँ पे हर टाइम जाम की ही स्थिति रहती थी और ऐसी ही स्थिति हमारी विक्टी टनल के सामने भी है। विक्टी टनल के सामने भी क्योंकि स्पेस की कॉन्स्ट्रेंट है और वहाँ पर भी जाम लगा रहता था। इसके बनने से इन दोनों जो कंजेशन के पॉइंट्स हैं ये दोनों वाइडन हो जाएंगे और इससे आम जनता को, टूरिस्ट को बहुत राहत मिलेगी।